गर्मियां आ गई हैं और अगर आप किसी व्यवसाय की तलाश में हैं तो आपको भी इन गर्मियों के सीजन में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। व्यवसाय के लिए आपकी प्लानिंग, सबसे पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा और इसके अंदर आपको ये भी तय करना पड़ता है कि आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं। साथ ही किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों पर किस किस तरह का खर्चा करना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस प्लान के अंदर और भी दूसरी बातों को तय करना पड़ता है, जैसे कि आप केवल सीजन के हिसाब से ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर इसे फ्यूचर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। फिर आपको उसी हिसाब से अपना बजट फिक्स करना पड़ेगा। आज के समय में किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप अपने एरिया का सर्वे कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझकर सोचकर साथ ही इस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के लिए प्लानिंग काफी जरूरी है। इसके साथ ही आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए 6 से 7 महीने की पूंजी अलग से अपने साथ रखनी होगी। साथ ही बिजनेस को सफल बनाने के लिए मार्केट में अपनी दुकान खोलने का आंकलन एकदम सही होना चाहिए, इसलिए आपको अपनी दुकान और ग्राहकों की मांग के हिसाब से चीजें निर्धारित करनी होंगी। बिजनेस के लिए आपका बजट, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास सटीक प्लानिंग और अच्छा बजट होना बहुत जरूरी है। बजट से आपके बिजनेस के आकार का पता चलता है। आप किस लेवल पर अपना व्यापार खोलना चाहते हैं, इसके लिए आपका बजट तय होना चाहिए। हालांकि इस दौरान आपका बजट कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है। अगर आप केवल मौसमी बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप फ्यूचर को ध्यान में रखकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसी हिसाब से प्लानिंग और बजट तैयार करना होगा। साथ ही आप अपनी खुद की दुकान में ये काम कर रहे हैं या फिर किराए की दुकान में अपना काम शुरू करेंगे या आप अपने व्यवसाय में कितने कर्मचारियों को रखेंगे, इन सब के आधार पर आपको अपना बिजनेस प्लान करना होगा। चलिए जानते हैं 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिन्हें आप इन गर्मियों में शुरू कर सकते हैं। कूलर का बिजनेस, अगर आप अपने शहर, गांव या एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कूलर का बिजनेस करना चाहिए। कूलर का बिजनेस गर्मियों में आपको जल्द ही अच्छी कमाई कर देगा। आज के समय में गांव हो या शहर, हर किसी को एसी और कूलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो एसी नहीं लगाते। ऐसे लोगों के लिए कूलर का बिजनेस कर इसकी सप्लाई कर सकते हैं। आप रूम कूलर की यूनिट लगाकर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि इस काम के लिए आपको थोड़े बड़े बजट की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो कूलर की सप्लाई करने के साथ ही उन्हें रिपेयर करने का काम भी कर सकते हैं, इससे काफी अच्छी कमाई हो जाएगी। आज के समय में ऐसे कई गांव हैं जहां काफी गर्मी पड़ती है और लोग इन्हें खरीदते ही हैं। इस बिजनेस को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें कई स्कीम भी निकाल रही हैं, जिसकी मदद से आप लोन लेकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर वर्क करना है कि आपको बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने बजट की जरूरत है और इसमें कितना खर्च आएगा, सरकार से मिलने वाले लोन को कैसे अप्लाई करना है और इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। इन सब की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। फिर आप अपना बिजनेस कौन से एरिया में करना चाहते हैं उनके बारे में जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको एक खाका तैयार करना होगा कि आप कितने कूलर बनाना चाहते हैं। फिर आप मुद्रा स्कीम या फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैपिटल 1,50,000 और वर्किंग कैपिटल पर 3,00,000 खर्च करते हैं तो आपके बिजनेस का पूरा खर्च 4,50,000 हो जाएगा। इसमें आपको 90% पैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना लोन मुद्रा स्कीम के तहत सरकार की तरफ से मिल जाएंगे। फिर आप चाहें तो अपने पास के मार्केट में कूलर बनाने का रॉ मटेरियल या फिर कूलर की सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो कूलर को रिपेयर करने का काम भी इसके साथ शुरू कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन रिपेयरिंग का काम करने से पहले आपको इस काम को अच्छी तरह से सीखना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी कर्मचारी को अपनी दुकान में रख सकते हैं जिसे इस काम की नॉलेज हो। गर्मियों में करें आइसक्रीम का बिजनेस। बढ़ती गर्मियों के साथ ही आइसक्रीम की मांग भी बढ़ जाती है। आइसक्रीम के प्रति लोगों का इतना प्रेम है कि कई लोग इसे सर्दियों में भी खाना पसंद करते हैं। आइसक्रीम बड़ों से लेकर छोटी उम्र के लोगों तक सबको पसंद होती है। लोग इसे हर मौसम में बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो लोगों का मन एकदम से खुश हो जाता है। गाँव से लेकर शहरों तक आपको गर्मियों में तरह तरह की आइसक्रीम की दुकान या फिर स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसकी खुद की फैक्ट्री डालकर अपना काम शुरू कर सकते हैं या फिर किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इसे बड़े लेवल में खोलते हैं तो आपको कई कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ेगी और फैक्ट्री डालने के लिए कुछ उपकरणों और कच्चे सामान की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप किस तरह की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको अपना बजट निर्धारित करना होगा। आइसक्रीम में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बनाकर सप्लाई भी कर सकते हैं या फिर अपने एरिया में किसी शादी पार्टी या फंक्शन के लिए ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आपका बजट बड़ा नहीं है तो आप खुद दुकान या स्टॉल लगाकर इसकी बिक्री कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको अपना फैसला करना होगा, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं या फिर खुद आइसक्रीम का पार्लर खोलना चाहते हैं, जहां आप अपने एरिया में कई तरह की आइसक्रीम बेच सकें। इसके लिए आपको अपने गांव या एरिया में सबसे अच्छी लोकेशन पर दुकान लेनी पड़ेगी। दुकान के लिए आपको एक डीप फ्रीजर भी लेना होगा और दुकान के हिसाब से इंटीरियर और फर्नीचर बनवा लें। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप इसकी रेडी भी लगा सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। मिट्टी के बर्तन का बिजनेस। गर्मियों के दिनों में गांव में मटके और नांद की खासी डिमांड रहती है। गांव ही नहीं, शहरों में भी लोग इनका काफी इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के बर्तनों की इतनी मांग है कि आज मार्केट में इनकी बोतलें भी आ चुकी हैं। मिट्टी के बर्तन ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि कई वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि मिट्टी के घड़े या फिर बर्तन में पानी पीने से सेहत में काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और इसका इस्तेमाल करने से आपको काफी स्वस्थ फायदा मिलेगा। मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए आपको दुकान या एक जगह चाहिए होगी जहां आप इस बिजनेस को कर सकें, फिर एक कुम्हार जो इनको बनाने का काम करेगा। चाक पर मिट्टी के बर्तन को आकार दिया जाता है और फिर उस पर अपने हिसाब से शेप और साइज दिया जाता है। आपको ऐसा ही एक कारीगर अपने लिए चाहिए होगा जो इस काम को आसानी से कर सके। बर्तन बनने के बाद इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। आज मिट्टी के बर्तनों को छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक, अमीर से लेकर गरीबों तक, और समय के साथ ही इनकी मांग मार्केट में काफी बढ़ गई है। आप गांव में इन्हें बनाकर या तो सीधे अपनी दुकान में बेच सकते हैं या फिर इन्हें बनाकर शहरों या दूसरी जगह सप्लाई कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन, घड़े या दूसरे प्रोडक्ट के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत में आप सिर्फ 5,000 से लेकर 10,000 तक के बजट के साथ इस काम को शुरू कर सकते हैं। आपको इसके लिए बस एक कारीगर की जरूरत पड़ेगी जिससे ये काम अच्छे से हो जाए। अगर आप खुद इस कलाकारी को जानते हैं तो आप खुद से भी अपने परिवार के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। गर्मियों में मिट्टी के बर्तन की इतनी मांग है कि बड़े व्यापारी इस बिजनेस से 3-5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा लेते हैं। वहीं अगर आप इसे गांव में छोटे लेवल से करना चाहते हैं तो आपको एक सीजन में 1,05,000 तक की कमाई आसानी से हो जाएगी। सॉफ्ट ड्रिंक की मशीन लगाकर भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे शुरू करने में ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। गांव से लेकर शहरों तक सॉफ्ट ड्रिंक लोगों को काफी पसंद आती है। बड़ी कंपनीज भी मौसम, मांग और समय के हिसाब से सॉफ्ट ड्रिंक की कीमतों में बदलाव करती रहती हैं। हालांकि अक्सर ये रेट बढ़ते ही हैं, ऐसे में आप भी सॉफ्ट ड्रिंक को सस्ते रेट में बेचकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। गांव में ये बिजनेस काफी फायदे का बिजनेस साबित हो सकता है। मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक की मशीन आपको 3 अलग अलग तरह की मिल जाएंगी। आपको सबसे पहले 6, 8 और 10 सोडा फ्लेवर और 2 जूस फ्लेवर मशीन को लेने का चयन करना पड़ेगा। अगर आप गांव में इसे शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने शहर या मार्केट से मशीन खरीदनी पड़ेगी जो आपको आसानी से 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक मिल जाएगी। फिर इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि पानी का केन, छोटा गैस सिलेंडर, पेपर कप, शुगर और अलग अलग तरह के फ्लेवर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में थोड़ी जगह है तो आप इसे घर में ही छोटी सी जगह में शुरू कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक बनाकर आप चाहें तो अपनी ही दुकान में बेच सकते हैं या फिर अपनी दुकान से सप्लाई भी करा सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक गर्मियों में काफी अच्छा व्यवसाय है जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इसमें कर्मचारी भी आपको ज्यादा भर्ती नहीं करने पड़ेंगे और इसकी सेल भी काफी ज्यादा है। हालांकि इसको बनाने के लिए आपको हाइजीन के साथ साथ क्वालिटी का भी ख्याल रखना होगा। अगर आपका सॉफ्ट ड्रिंक का काम इस गर्मियों के सीजन में अच्छा लाभ कमा कर देता है तो आप भविष्य के जोड़ पर अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। कैप और चश्मे का व्यवसाय। गर्मियों के मौसम में लोग धूप से काफी परेशान रहते हैं और धूप से बचने के लिए कैप और चश्मे लगाना पसंद करते हैं, जिसके चलते गर्मियों में इनकी मांग भी बढ़ जाती है। अगर आप चश्मे और कैप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बिजनेस बेस्ट है। गर्मियां लगभग शुरू हो चुकी हैं और अगर आप इस सीजन कुछ काम की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बिजनेस काफी अच्छा साबित हो सकता है। पहाड़ों के गांव से अलग प्लेन्स के गांव में काफी गर्मी पड़ती है, इसलिए आप चाहें तो इनका बिजनेस शुरू करके काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी थोक बाजार से अलग अलग तरह के चश्मे और कैप होलसेल प्राइस में खरीदने होंगे। अगर आप इस बिजनेस को फ्यूचर के तौर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप टोपी के लिए रॉ मटेरियल लेकर कारीगरों से इसे बनवा सकते हैं। इसमें गर्मियों में आपको सन कैप और सर्दियों में आप गर्म टोपियां बनाकर इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें आप बच्चों से लेकर लेडीज और जेंट्स की अलग अलग तरह की रंग बिरंगी टोपियां बना सकते हैं। ये एक काफी अच्छा बिजनेस है जिसमें आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग आज के समय में टोपी और चश्मे केवल गर्मियों में बचने के लिए ही नहीं, फैशन के तौर पर भी लगाते हैं, इसलिए मार्केट में इनकी काफी ज्यादा मांग रहती है, जिसमें आप एक अच्छा बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। इनके लिए आपको कुछ कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, जिसे और एक आध सिलाई मशीन की, जिससे आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बेचने के लिए आपको किसी बड़ी दुकान की जरूरत नहीं है और ना ही खूब सारे फर्नीचर की।
आप जहाँ चाहें इन्हें बेच सकते हैं। वहाँ एक छोटी सी दुकान में अलग तरह की डिज़ाइन के चश्मे और कैप लगाकर ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। इसमें आप अपने प्रोडक्ट के रेट अपने प्रॉफिट के अनुसार फिक्स करें। आपको कैप और चश्मे के व्यवसाय के लिए शुरुआती तौर पर 18,000 से 20,000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे, जिसके बाद आप हर महीने 12,000 से लेकर 18,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। आप चाहें तो इनकी दुकान भी लगा सकते हैं और कैप को बनाकर अपने मार्केट में सप्लाई भी करा सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।